फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ होम। मैं हूं निशा और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसमें ना तो हम कोको पाउडर का यूज़ करेंगे ना ही कंपाउंड चॉकलेट का। हम इसे बनाएंगे बोनविटा से। तो आज मैं आपके साथ बोनविटा चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक 30 रुपीज़ वाला बोनविटा का पाउच लिया है। आप इसकी जगह हॉर्लिक्स या फिर बूस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हम पीस लेते हैं, जिससे कि ये जो बोनविटा है एकदम फाइन पाउडर में हो जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो चलिए अब हम लेंगे एक पैन और उसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप चीनी और 1/4 कप पानी, यानी कि जितनी चीनी ली है उससे 1/2 पानी डाल देंगे। गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसकी चाशनी बनानी है। हमें बनानी है 1 तार की चाशनी। फ्रेंड्स, हम जो ये चॉकलेट बना रहे हैं, ये थोड़ी चुई होती है, जैसे कि इक्लेयर्स होती है। आपने ज़रूर इक्लेयर्स खाई होगी। सेम उसी की तरह इसका टेक्स्चर होता है, ऐसी ही चुई बनती है ये चॉकलेट। तो आप देख सकते हैं, 1 तार की चाशनी मैं चेक कर रही हूँ, अभी अच्छे से तार नहीं बन रहा है। तो अभी 1 से 2 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। अच्छे से बॉईल आ गया है चाशनी में। तो 1 से 2 मिनट बाद मैं इसे फिर से चेक कर लेती हूँ। हल्का सा उंगलियों के बीच में से चिपका के देखेंगे, आप देख सकते हैं 1 तार बन रहा है। इट मीन्स 1 तार की चाशनी रेडी हो चुकी है। अब आप फ्लेम को कर दीजिए लो और उसके अंदर डाल दीजिए 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस। इससे चॉकलेट खट्टी नहीं होगी, इससे ये होगा कि शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी, जमेगी नहीं। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच मक्खन। मक्खन को चाशनी के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और जब मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे चाशनी के साथ। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए मिल्क पाउडर। और इस समय गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखिए, ताकि चीनी और ज़्यादा गाढ़ी ना हो और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब जो हमने बोनविटा पीस के रखा था, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब आप इस समय कर दीजिए गैस ऑफ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करिए, वरना आप इसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब हम गैस ऑफ करके इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो अच्छे से हम इसे हैंडल कर पाएंगे। तो पहले से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम गैस ऑन कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया और जो आपको ये थोड़े बहुत लम्स दिख रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे जब हम इसे पकाएंगे। मैंने गैस को ऑन कर लिया है और आप देख सकते हैं जो भी लम्स दिख रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चॉप्ड नट्स। तो मैंने काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है, करीब 2 बड़े चम्मच हैं। उसको मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप किशमिश भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। गैस मैंने ऑफ कर दी है और मैंने यहाँ ले लिए सिलिकॉन मोल्ड्स। इसमें चॉकलेट जमाना और उसको आसानी से डिमोल्ड करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए मैंने ये ले लिया। आप चाहे तो किसी भी टाइप के चॉकलेट मोल्ड्स में इनको जमा सकते हैं। और फ्रेंड्स, बोनविटा मिक्स होने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए ही गैस ऑन करके मैंने इसे पकाया था। तो मैंने मोल्ड को फिल कर दिया है इस चॉकलेट के बैटर से और अब इसे 1/2 घंटे के लिए रख देंगे हम फ्रिज में। फ्रिज में रखना है हमें, फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है। और ये देखिए, 1/2 घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है और आप देखिए इस सिलिकॉन मोल्ड से ये कितनी इजीली चॉकलेट्स बाहर निकल आई हो। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स, आप इस इजी सी बोनविटा चॉकलेट की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चॉकलेट्स की रेसिपी कैसी लगी। तो सारी चॉकलेट्स को हम डीमोल्ड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बता ही दिया कि ये डेरी मिल्क चॉकलेट की तरह नहीं बनती है, ये बनती है इक्लेयर्स की तरह। जो इक्लेयर्स की टॉफ़ी आती है आपने ज़रूर खाई होगी, उसकी तरह बनती है, थोड़ी चुई होती है बट बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।